स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वैकम मोहम्मद बशीर की लिखी हुई कहानी द स्नेक एंड द मिरर, यानी एक सांप है और एक दर्पण है, शीशा है। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? आपको भी मिरर में देखना पसंद होगा। तो राइटर लिखते हैं, हैज ए स्नेक एवर क्वाइल इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? ए फुल ब्लॉक्ड कोबरा? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यानी वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, वो पूछ रहे हैं, डॉक्टरों की एक मीटिंग हो रही है कि क्या कभी कोबरा आपके किसी बॉडी पार्ट पे क्वाइल किया है, लपेटा है आपको? द टॉपिक केम अप व्हेन ही वेयर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब वे लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सारे डॉक्टर उनको बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। ये हॉट समर नाइट थी, करीब 10 बज रहे थे और रेस्टोरेंट में ये लोग मील यानी खाना ले रहे थे। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि एक डॉक्टर थे जो कि स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे, किराए के मकान में, उसमें बिजली नहीं थी तो लैंप जलाते थे। वन हॉट समर राइट द डॉक्टर हैड टेकन हिज मील इन ए रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू द रूम एट 10 PM। रात्रि में 10 बजे रेस्टोरेंट से खाना खा के घर लौटे। He decided to enjoy and rest. वे सोचे कि अब थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। He started looking at the face in the mirror. तो सामने दर्पण यानी शीशा रखा हुआ था, मिरर, उसमें अपना चेहरा देखने लगे। When he was thinking of his marriage and personality. तो अपनी शादी के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगे कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं, यदि मैं मुस्कुराऊं तो और भी अच्छा लगूंगा, ये सब वो दर्पण में डॉक्टर साहब सोचने लगे। व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑफ मैरिज एंड पर्सनालिटी ए स्नेक फेल्ट ऑन हिम, तब तक एक सांप कहीं से उनके बांह पे, बाएं हाथ पे आके लिपट गया। द डॉक्टर वाज सो scared that he stood like a stone as if he had no life or energy. तो जब स्नेक उनके बाएं हाथ पे लिपट गया तो डॉक्टर साहब बिल्कुल एक पत्थर की तरह खड़े हो गए, यानी कि इनका सेंस काम नहीं कर रहा था। He did not move as he feared that the snake would strike him. वे सोच नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि स्नेक यदि उनको बाइट कर लेता, काट लेता, तो मौत हो सकती थी, क्योंकि वो सांप कोबरा था। ही प्रेड टू गॉड, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान बचाइए। बाई चांस द स्नेक आइज फेल ऑन द मिरर, तब तक स्नेक जो है मिरर को देख लिया, मिरर में उसके जैसा उसका जो रिफ्लेक्शन था वो बना दूसरे सांप का। ही लुक्ड एट इट्स बॉडी इन इट, इट सीम्ड प्रेजिंग इट सेल्फ। द डॉक्टर फेल ग्रेटली रिलीव्ड, तो डॉक्टर के हाथ को छोड़ के वो मिरर के सामने सांप चला गया। लाइफ सीम टू रिटर्न टू हिम, डॉक्टर की जान में जान आई। ही सा एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, जब सांप उनसे दूर हुआ तो वे जितना हो सकता था उस सांप से बचने के लिए भागे, अपने जीवन को बचाए। एंड देन ही रैन आउट ऑफ द रूम, रूम से बहुत जल्दी दौड़ करके बाहर आए। द स्नेक वॉज सिटिंग बिफोर द मिरर, और जो स्नेक था वो मिरर के सामने बैठा हुआ था, अपने आप को निहार रहा था। द डॉक्टर स्पेंट द नाइट इन ए फ्रेंड्स हाउस, डॉक्टर इतना डर गए कि दोबारा उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई और अपने दोस्त के यहां रात में रुके। ही रिटर्न्ड इन द मॉर्निंग, तो रात्रि में डॉक्टर साहब दूसरे के घर रुके, मित्र के घर रुके।
सुबह अपने घर आए, देयर वॉज नाइदर एनी स्नेक नॉर एनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, तो न तो वहां पे कोई सांप था, न तो सांप का कोई वहां पे और बिलोंगिंग्स यानी उसके रिश्तेदार थे. सम थीफ हैड कैरीड अवे एवरीथिंग इन द नाइट एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट. तो डॉक्टर साहब के घर यानी उस रात चोरों ने चोरी कर लिया था सांप के चक्कर में. डॉक्टर साहब का एक पुराना वेस्ट था, बनियान था, चोरों ने उसे छोड़ दिया था. तो डॉक्टर साहब को लगा कि चोरों ने इसे क्यों छोड़ा, इसको भी क्यों नहीं लेके गए. यानी इसमें देखिए स्नेक जो कि अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख रहा था, डॉक्टर इतने हॉरिफाइड हुए, इतने डर गए कि घर छोड़ के चले गए. रात्रि में चोरों ने उनके घर को चोरी कर लिया. इस तरह डॉक्टर साहब उस स्टोरी को जीवन भर के लिए याद रखें.